अच्छा ओके, एक और छोटी सी बात है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मे बी आपको क्लियर है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है इस वाले पॉइंट में क्लियर, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं रहती। वो है कि आप बार बार ना ये आईपी क्यों यूज करते हैं वर्ड, मतलब आईपी राउटिंग है आपका, आईपी डेटा ऑपरेशंस का नाम सुना हो आपने, अगर नहीं सुना है तो मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, और उसके बाद आईपी नेटवर्क है, सारा का सारा गेम आईपी का ही है, ऐसा क्यों है? तो अगर आपको याद हो, हमने ओएसआई मॉडल में एक चीज पढ़ी थी कि आपके पास 7 लेयर्स थी, ठीक है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि ओएसआई मॉडल सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपको बहुत एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है चीजों को समझने का और नेटवर्क को ट्रबल शूट करने का, ठीक है। 4 5 6 7, मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स हैं आपके आपके पास, और वो ही APSTNDP, आसमान पे सितारे थे नहीं देख पाए, ये याद रखने के लिए एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन जो भी लेयर्स है। अभी यहाँ पे अगर आप बात करोगे राउटिंग किस लेयर पे आती है, दैट इज ऑन लेयर 3, ठीक है। अब लेयर 3 पे, अब आपको पता होगा सही मॉडल के मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं उन सारे वीडियोस में जो CCNA वाले प्लेलिस्ट में है, आई थिंक बहुत सारी वीडियोस, 8 10 वीडियो है सही मॉडल के, उसमें मैंने बताया है कि किसी भी लेयर पे जब भी आप बात करते हो उसको एक्सप्लेन करने की या उसको समझने की, तो आप 3 4 चीजें जरूर समझते हो कि उसके अंदर PDU का नाम क्या है। तो अभी अगर हम इसमें PDU की बात करते हैं लेयर 3 पे, उसको बोलते हैं पैकेट। तो पैकेट का मतलब उसके अंदर किस तरह की डिटेल होगी, किस प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर मिलेगा उस लेयर पे, आईपी। अब समझने वाली बात यह, और भी कुछ इसमें आता है जैसे राउटर, जो डिवाइसेज है उस लेयर पे कौन से काम करते हैं, राउटर है लेयर 3, स्विच है और वो सब, पर समझने वाली बात यह है कि किसी लेयर पे प्रोटोकॉल कौन से काम करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट पे TCP UDP काम करती है आपका, ठीक है, आपका एप्लीकेशन पे भी बहुत सारी HTTP है, HTTPS है आपका, NTP है आपका, टेलनेट है, SSH है, FTP बहुत सारी है, आपका डेटा लिंक पे बहुत सारी है, जैसे आप ATM, फ्रेम रिले, MPLS, वो खैर 2.5 बोलते हैं अलग बात है, पर स्टिल आप समझ सकते हो, आपका HDLC है, PPP है, ये बहुत सारी प्रोटोकॉल है जो लेयर 2 पे चलती है। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ लेयर 3 की, इस पे इथरनेट भी आती है जो बहुत फेमस आपकी टेक्नोलॉजी है। इसमें सिर्फ एक ही जिक्र मिलता है आपको, आईपी का। पहले ना IPX भी होता था, SPX भी होता था, एप्पल टॉक भी होता था, तो हर किसी के अपने अपने नेटवर्क थे, एप्पल का अपना नेटवर्क और नोवल का अपना नेटवर्क, XYZ कंपनी का अपना नेटवर्क सॉरी। पर अभी आज के टाइम पे अगर आप देखोगे लेयर 3 पे एक ही डोमिनेटिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज आईपी, सब बाकी खत्म है, वेस्ट है। क्यों? क्योंकि हर किसी नेटवर्क में किसको अडॉप्ट कर लिया, कौन सी लेयर 3 टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, सबने आईपी को, ठीक। तो इंटरनेटवर्किंग बहुत आसान होगी उससे, इंटरनेट पे पार्ट आपका जो किसी भी कंपनी का है या शेयर है या कंट्रीब्यूशन है या फिर यूजेस है, वो बहुत आसान हो गए हैं। तो अब जो भी OS आते हैं, जो भी आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आता है, आईपी की सपोर्ट हर जगह, हर एक नेटवर्क डिवाइस, एंड डिवाइस, जितने भी सपोर्टेड डिवाइस है सबके अंदर आती है। तो इसी वजह से सारी की सारी जगह आपको टर्म कौन सी मिलेगी, आईपी राउटिंग, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं आईपी डेटा ऑपरेशंस की, कि भाई अब ये आईपी डेटा ऑपरेशंस क्या है, आईपी डेटा ऑपरेशंस, ठीक है। अब अगर आप देखते हो, छोटा सा मैं वो समझता हूँ सिनेरियो जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, जहां पे डिस्कशन अपना कि एक ये आपका स्विच है जिसके साथ कुछ यूजर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही एक और स्विच है जिसपे कुछ यूजर्स लगे, ये दो सबनेट है मेरे, इनको किसके थ्रू कम्युनिकेट करवा दिया मैंने, एक राउटर के थ्रू करवा दिया। चलिए ऐसे ही एक और आपका नेटवर्क हो सकता है, और ये इंटरनेट भी हो सकता है, मान लीजिए आप ISP से जुड़े हैं तो ये उसका भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। पर मान लीजिए हम सिंपल सा क्या मान के चल रहे हैं, ये क्लाइंट्स हैं मेरे कुछ इधर, और इधर भी कुछ क्लाइंट्स हैं, और ये सर्वर है, ठीक, हमने ऐसा मान लिया। और ये इधर मैं बादल बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बादल मीन्स की ये क्लाउड है, मेरे पास ISP है, इंटरनेट है, ठीक, और मैं इधर भी जुड़ा हूँ और मैं इधर भी जुड़ा हूँ, इस तरह का कुछ सिनेरियो है। अब आईपी डेटा ऑपरेशंस बोलते हैं कि जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो क्लाइंट से सर्वर, और वापस आता है आपका डेटा सर्वर से क्लाइंट की तरफ, इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन होता है, OSI मॉडल की सारी लेयर्स फॉलो होती है, जो जो भी आपको यूज करनी रहती है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखो आपको कुछ एड्रेसिंग यूज करनी पड़ रही है, ठीक है, कौन सी एड्रेसिंग यूज करनी पड़ती है आपको, तो हम बात करते हैं कि जैसे एक तो आपको चाहिए होता है लेयर 4 पे, वो है पोर्ट एड्रेस,
ठीक, तो सोर्स का भी पोर्ट एड्रेस चाहिएगा, डेस्टिनेशन का भी पोर्ट एड्रेस चाहिएगा। पोर्ट एड्रेस क्या होता है, जो आपके एक सिंपल सी भाषा में फिलहाल के लिए बता देता हूं, आप ब्राउजर यूज करते हैं ना, तो आप उसमें मल्टीपल अलग अलग टैब ओपन करते हैं, तो हर एक टैब का एक नंबर जनरेट हो जाता है आपका। तो कभी भी इंटरनेट चलाओगे और विंडो आर करके सीएमडी में जाके देखना, वहां पे कमांड चलाना नेट स्टेट, आपको इस तरह से दिखेगा, आपको अपनी आईपी दिखेगी और उस पर कुछ पोर्ट नंबर्स लगे दिखेंगे मिलेंगे। उसका मतलब वो क्या होते हैं, आपके जितने भी सेशंस चलते हैं ना नेटवर्क पे, वो उन पोर्ट नंबर से ही चलते हैं, और वो पोर्ट नंबर कौन लगाता है, टीसीपी या यूडीपी। ठीक, तो वो आप उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वो अलग से, जो मेरी वीडियोस है ना ओएसआई वाली, तो अच्छे से समझ आएगा। पर फिलहाल के लिए हम बात उधर नहीं लेके जाना चाह रहे, नहीं तो वो बहुत टाइम लगेगा उसमें। अगर आप चाहते तो मैं अलग से वीडियोस की बना सकता हूँ। ठीक है जी, तो इधर से पोर्ट एड्रेस हुआ, तो मेरे जो काम की फिलहाल बात है वो है अलग एड्रेसेस। एक लेयर 3 का एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं आईपी, और एक लेयर 2 का एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, अब आपको यहां से और उस सर्वर तक जाना है। ठीक, तो रैंडमली आपका जो ब्राउजर होगा जहां पे आप इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए 16 बिट का एक पोर्ट नंबर आता है, और मान लो आपने कोई भी एक पोर्ट नंबर ले लिया, वो है 15192। ठीक है, अब सोर्स आईपी आपने इस पे दे रखी है, दैट्स लेट्स से 10.0.0.10, तो इसकी खुद की सोर्स आईपी क्या हो जाएगी, 10.10। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, जो सर्वर की है। ठीक है, तो सर्वर की आईपी मान लो क्या है आपका, 172.19.0.10, मैं थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ, मान लो इसकी आईपी है 172.19.0.10, ये इसकी आईपी है। तो डेस्टिनेशन की इसमें चलेगी ये वाली आईपी, इसकी डेस्टिनेशन के लिए, तो वो क्या बन रहा है एक्चुअल में, यहाँ से पैकेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये आईपी इसको कैसे पता चलेगी, क्योंकि आप अगर सोच रहे होंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि आपने तो ब्राउजर में जाके आईपी थोड़े लिखी थी, आपने तो लिखा था कि भाई facebook.com, ठीक है, या फिर आपने लिखा होगा google.com, इस तरह से। तो ये तो नाम है, इसमें आईपी का कहाँ जिक्र आया, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पे ही हमारा पिक्चर में आती है एक और सर्विस, जो कौन सी है, डीएनएस। तो वो एक ऐसी आपकी सर्विस है जो इन नामों को, देखिए एक्चुअल में कंप्यूटर्स क्या करते हैं, इन नामों पे काम करते हैं, इन आईडीज पे, इन नंबर्स पे, बाइनरीज पे काम करते हैं, पर हम ह्यूमंस हैं, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, हम कुछ एक नंबर्स याद रख पाते हैं, लेकिन नाम हम बहुत सारे याद रख सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, सोच समझ के वेबसाइट्स बना दी, वेब सर्वर्स बना दिए, उनके नाम दे दिए, और एक ऐसी लोकेशन रख दी बीच में कहीं पे, जहां पे वो सारे नाम उन आईपी के साथ, जहां पे जो भी उस नाम को आईपी मिली हुई है वो स्टोर करके रख दिया। जैसे facebook.com को आईपी मिली हुई थी 1.1.1 फॉर एग्जाम्पल, google.com को आईपी मिली थी 2.2.2, gmail.com को 3.3.3। अब ये आपकी आईपी स्टोर है कहीं पे उन सर्वर्स को, जहां पे ये स्टोर है डेटाबेस, उनको बोलते हैं डीएनएस सर्वर। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्क की और डीएनएस की, तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।